चंदौसी अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल ने आज केंद्रीय रेल मंत्री को ज्ञापन भेजकर बंद पड़ी ट्रेनों को पुनः संचालन कराने के संबंध में एक ज्ञापन स्टेशन अधीक्षक आशीष कुमार के माध्यम से भेजा। ज्ञापन में व्यापार मंडल के द्वारा कहा गया कि कोरोना काल में सरकार द्वारा ट्रेनों का संचालन पूर्णतः बंद कर दिया गया था, जिसके कारण जिंदगी थमसी गई थी। ट्रेनों का संचालन बंद होने से व्यापार पर भी काफी असर पड़ रहा था, लेकिन अब सब कुछ खुलने के बाद ट्रेनों का संचालन अभी तक बंद है। ट्रेनों का संचालन पुनः चालू किया जाए। इसके अलावा बजट में आपके द्वारा उत्तर प्रदेश को 2 ट्रेनें दी गई हैं, जिसमें से फरवरी के आखिरी सप्ताह में पूर्णागिरी जन शताब्दी एक्सप्रेस टनकपुर बरेली बाया मुरादाबाद दिल्ली शुरू होने जा रही है, लेकिन चंदौसी एक व्यापारिक केंद्र है और यहाँ से सैकड़ों की तादाद में व्यापारी अपने व्यापार के सिलसिले में दिल्ली जाया करते हैं। चंदौसी से सुबह के वक्त कोई ट्रेन ना होने की वजह से व्यापारियों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है, लेकिन अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल मांग करता है कि पूर्णागिरी जन शताब्दी एक्सप्रेस को बाया चंदौसी होकर निकाला जाए, जिससे यहाँ से और आसपास के व्यापारी अपना व्यापार सुचारू रूप से कर सकें। आज अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल ने एक ज्ञापन माननीय मंत्री जी को, रेल मंत्री जी को भेजा है, जिसके माध्यम से ये कहा गया है कि कोरोना काल के वक्त में जो है वो ट्रेनों का संचालन पूर्णतः बंद था गवर्नमेंट की तरफ से। अब चूंकि सब कुछ खुल चुका है और व्यापार पर भी ट्रेनें बंद होने से असर पड़ रहा है, इसलिए ट्रेनों को चालू किया जाए, उनका संचालन शुरू किया जाए। इसके अलावा आपके से बजट में जो है माननीय मंत्री जी ने जो है उत्तर प्रदेश के लिए 2 ट्रेनें दी थी, जिसमें से एक ट्रेन जो है पूर्णागिरी जन शताब्दी एक्सप्रेस है, जो कि टनकपुर से मुरादाबाद बरेली दिल्ली जाया करेगी। इसका वक्त सुबह का है, चूँकि चंदौसी एक व्यापारिक केंद्र है और यहाँ से रोज़ व्यापारी जो है सैकड़ों व्यापारी रोज़ दिल्ली व्यापार के सिलसिले में आना जाना होता है व्यापारियों का, इसलिए चंदौसी से कोई ट्रेन ना होने की वजह से बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है व्यापारियों को। मुरादाबाद से तो काफ़ी ट्रेनें हैं सुबह के वक्त में, लेकिन चंदौसी की कोई ट्रेन नहीं है। हमने माननीय मंत्री जी से ये मांग की है कि इस ट्रेन को, पूर्णागिरी जन शताब्दी एक्सप्रेस को, वाया चंदौसी होकर निकाला जाए, ताकि व्यापारी जो है आसानी से अपने व्यापार कर सकें। युवा व्यापार मंडल ने जो हमारी गाड़ियाँ बंद पड़ी थी उनको चालू करने के संबंध में, और एक नई गाड़ी जन शताब्दी है उसको शुरू करने के, चंदौसी होकर निकालने के संबंध में एक ज्ञापन आज दिया है, और ये ज्ञापन इनका हमारे माध्यम से मंडल कार्यालय को पहुँचा दिया जाएगा।